तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे आप एक इमेज पे कैसे लिंक लगाएंगे और एक इमेज में कैसे कि मल्टीपल लिंक लगाएंगे। एक लिंक तो लगा सकते हैं, फिर मल्टीपल लिंक कैसे लगाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं मेरा बी एस कोड ओपन कर लिया है, ये पिछला वाला ही डॉक्यूमेंट था उसी में ही मैं करता हूँ। मैं यहाँ पर नॉर्मली एक आई एम जी टैग लेता हूँ, टैग सोर्स के अंदर मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है यहाँ पे img.jpg करके, तो वही मैं यहाँ पे ले लेता हूँ img.jpg ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अभी अल्टरनेटिव में कुछ नहीं देता, चाहो तो दे सकते हो। मेरे को इस पर लिंक लगाना, पहले मैं देख लेता हूँ ये ब्राउजर में शो कैसे हो रहा है। ओके ये आ रहा है, थोड़ा सा छोटा बड़ा अभी ठीक है, ये वाला इमेज आ रहा है। अभी इसमें हम अलग अलग लिंक लगवाएंगे, देखिए कैसे लगवाते हैं। पहले तो एक लिंक लगवा के दिखाता हूँ कि ये लिंक लगाने के लिए मेनली हम क्या टैग यूज करते हैं। एंकर टैग, यहाँ पर भी सेम एंकर टैग यूज करेंगे। एंकर टैग लिया, मैं क्लोज यहाँ पे नहीं करूँगा, लास्ट में लेके क्लोज कर देता हूँ। ओके अभी इस पे हमारा लिंक लग, यहाँ पे HRF के जगह हम लिंक लगवाते हैं। मान के चलिए मैं अमेजन का लिंक लगवाता हूँ, तो अमेजन सर्च कर लिया और इसका लिंक कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके अभी ठीक है, अभी इसको एक बार हम देखते हैं ब्राउजर में। देखिए ये देखिए हमारी माउस को देखिएगा, माउस का क्रॉसर कैसा है, एक एरो मार्क जैसा है। जैसे कि मैं इमेज के ऊपर जाता हूँ, देखिए एक पॉइंटर जैसा बन गया, यानी इस पर लिंक लगा हुआ है, इसलिए ये क्लिक करने वाला आ जा रहा है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही अमेजन खुल गया। अगर मैं ब्लैंक लगाया होता मतलब टारगेट में, तो ये नया पेज में भी खुल जाता। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है ये लगा सकता हूँ नॉर्मल से, पर मैं चाहता हूँ इसमें मल्टीपल लिंक्स लगवाना। मतलब मान के चलता हूँ ये लैपटॉप के लिए एक लिंक लगवाना, ये फ़ोन के लिए एक लिंक लगवाना, इधर ये सर्किल पे ये जो ये इसके लिए एक लिंक लगवाना, इस टाइप का अगर करना है तो कैसे कर सकता हूँ। मैं पहले आपको एक मैनुअल चीज़ दिखाता हूँ, मैनुअली आप कैसे करोगे, इसके बाद इसको एक ईजी वे बताऊँगा, बहुत ईजीली आप बना सकते हो। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, पहले तो ये जो हमारा एंकर टैग है इसे मैं निकाल देता हूँ, अभी के लिए हमें एंकर टैग की ज़रूरत है नहीं। मैंने निकाल दिया एंकर टैग। अब क्या करेंगे, इमेज तो हमारा है, इमेज के अंदर हम यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, यूज मैप। देखिए यूज मैप, इसके अंदर हमें कोई एक नेम देना है, इसमें स्टैग इनके जगह मैं LST ही डाल देता हूँ, आप कोई भी नेम दे सकते हो। एंटर किया, यहाँ पे हमें मैप लेना पड़ेगा, मैप एंटर किया। नेम के अंदर आपको इसका नेम देना होगा, जो भी आपने नेम वहाँ पे दिया था ना LST देना पड़ेगा नेम पे। फिर इसके अंदर हमें जितना भी आपको लिंक लगवाना है उतने के लिए पहले एरिया सिलेक्ट करना होगा और उस एरिया के हिसाब से हमें लिंक लगाना पड़ेगा। एक यहाँ पे एरिया टैग लेते हैं, एरिया एरिया एक नॉन ऑन पेयर टैग होता है, उसका क्लोजिंग नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले तो सेप, सेप कौन सा सेप में रहेगा, मान के चलिए मैं रेक्टेंगुलर करना चाहता हूँ, तो रेक्टेंगल होगा उसका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है कि जो इमेज होता है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो इमेज होता है बहुत सारे पिक्सल में बटा होता है, तो ये जो पिक्सेल्स को किस तरह से डिवाइड किया गया, मतलब इस पोजीशन पे इसका पिक्सेल क्या है, इस पोजीशन पे उसका पिक्सेल क्या होगा, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, और उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से इस पर हम लिंक लगवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कोऑर्डिनेट्स निकाल के रखा है, मैं पहले ही लैपटॉप का जो स्क्रीन का कोऑर्डिनेट निकाला था, तो ये आप कोई भी जो इमेज एडिटर है जाए लाइक फोटोशॉप वगैरह में ये निकाल सकते हो। मैं इसके बाद एक ईजी वे भी बताऊंगा आपको कि बिल्कुल टेंशन मत लो। देखिए 117
फिर कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 41, देन 46, देन 241। ओके, ये मैं लैपटॉप की स्क्रीन वाला शेयर किया हुआ है, तो अभी यहाँ पे मैं लिंक लगाने के लिए अमेजन का ही लिंक ले लेता हूँ अभी के लिए। एचआरएफ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे आप कुछ डालना चाहो तो डालो, नहीं तो कट कर दो। ठीक है, अभी दूसरा एक एरिया लेता हूँ, एरिया के अंदर शेप में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सीएल डाल देता हूँ, सर्किल डाल देता हूँ सर्किल, और कोऑर्डिनेट्स इसका भी मैंने निकाल के रखा है, लाइक 287 होगा और एक 27, कोऑर्डिनेट्स के जगह लिखना था 97 और 27। ओके ठीक है, अभी यहाँ पे लिंक लगवाता हूँ, मैं अमेजोन का कोई भी एक लिंक उठा लेता हूँ, एड्रेस वाला लिंक उठा लेता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, अभी अलर्ट वाला निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी हो गया। अभी देखिए, मैं जैसे कि ब्राउजर में जाऊंगा मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर, देखिए यहाँ पर मेरे को मेरा माउस उस वक्त क्या हो रहा था, जैसे कि इमेज को ऊपर जा रहा था, पॉइंटर बन जा रहा था क्लिक करने के लिए बोला, अभी क्या वही एरो मार के, बट जैसे कि मैं इस स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा, देखिए ओके ओके फ्रेंड, मेरे को देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि एरिया वाले में मैंने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट गलत किए थे, 46 डाल दिया था, यहाँ पर 461 होना था, तो अभी हो गया। अभी देखिए ब्राउजर में मैं चलता हूँ, ब्राउजर में जाते ही जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा पॉइंटर देखिए जो क्रशर है माउस का, अभी ये एरो मार्क ही है, यहाँ पर भी जा रहा हूँ एरो मार्क है, पर जैसे कि मैं ये स्क्रीन के ऊपर जाऊँगा, देखिए ये पॉइंटर बन गया क्लिक करने के लिए, और मैंने एक लगाया था यहाँ पे, देखिए यहाँ पर तो इसके बाहर कहीं पे ये नहीं है, मोबाइल पे भी मैंने नहीं लगाया तो वहाँ पर भी कुछ नहीं हो रहा है, पर इसके ऊपर जाते ही देखिए सर्किल के आ गया ना, तो यहाँ पर मैं क्लिक करते ही देखिए खुल गया ये वाला प्रोडक्ट जो इमेज लिंक लगाया था, और जो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये अमेजोन का होम पेज खुल गया, तो दोनों जगह हमने दोनों अलग अलग लिंक लगवाए थे और दोनों के जगह हम रिडायरेक्ट हो पा रहे। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको बहुत इजीली आप कैसे बना सकते हो। देखिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, जाता हूँ ब्राउजर में, यहाँ पर एक वेबसाइट आपको मिलता है जिसका नाम है imagemap.io। देखिए imagemap.io ने ORG, ORG के अंदर आपको जाना है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। हमारा HTML CSS का एक प्रॉपर नोट भी हमने बना के रखा है जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा नोट है, वो पढ़ लोगे ना आपको पता चलेगा कि वो कितना वर्थ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले हमारा जो इमेज था ये वाला इमेज मैं सिलेक्ट कर लिया, अभी इमेज आ जाएगा। देखिए अभी हमें एरिया सिलेक्ट करना है, एरिया यहाँ पर देखिए सर्किल के ऊपर भी सिलेक्ट, देखिए मैं सर्किल लेता पहले ये वाला सर्किल को, ये देखिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, देखिए मैं ऐसा ही लगा रखता हूँ, आप अपने हिसाब से लगाएगा, मेरे को सबसे जो बेस्ट लगता है ये वाला, इसमें आप पॉइंट सिलेक्ट कर सकते, यहाँ से मैं लेना है फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, मान के चलिए मेरे को ओनली स्क्रीन लेना है, तो स्क्रीन हो गया मेरा आ गया, अभी यहाँ पर ले जाके मेरे को एंटर कर देना है, तो ये बन गया मेरा, अभी देखिए दो बन गया। अभी मैं यहाँ पे लिंक लगाऊंगा, मान के चलिए यहाँ पर ये वाला लिंक एक लगा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट,
और एक यहाँ पे लगाता हूँ, मान के चलिए अमेजन पे कोई और लिंक पे मैं चलता हूँ, ये वाला एड्रेस का लिंक लगाता हूँ, सिंपली मैं कॉपी करता हूँ, ये मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करिएगा। यहाँ पे टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हो, मैं जैसे कि ये वाला सीएल डाल देता हूँ सर के लिए, तो सीएल डाल देता हूँ और ये लैप डाल देता हूँ। अभी नीचे देखिए ये कोड आ गया हमारे पास, ये कोड को सीधा सीधा हमें कॉपी करना है यहाँ से, कॉपी किया और ब्राउजर पे ये वाला जो था मैं इसको अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी एंटर करके अभी यहाँ पे पेस्ट, अब आपको देखिए इसके ऊपर लिंक लग चुका है सब जगह। अब आपको सीधा सीधा यहाँ पे पॉलीगन पे हमने लिया था क्योंकि पॉइंटर सिलेक्ट करके तो पॉलीगन बन गया था, यहाँ पर इस हिसाब से कोऑर्डिनेट बन गया है, यहाँ पे लिंक भी है, टाइटल सब कुछ। आप नॉर्मली ब्राउजर में जाइए, देखिए ये देखिए मैं स्क्रीन के ऊपर गया आ रहा है, देखिए हमने लैप पे लिखा था लैप ही आ रहा है, इसके ऊपर देखिए सीएल लिखे थे हमने सीएल आ रहा है, क्लिक करते ही ये क्लिक किया अभी यहाँ पर जो लिंक लगा हुआ था वो खुल जाएगा, खुल गया। तो ऐसा ही होता है, आप कोई भी लिंक इस पर लगा सकते हो, यहाँ पर क्लिक किया देखिए ये वाला खुल गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप एक बार ट्राई कीजिए करिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में।